प्रदेश में सीमेंट के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है और हमीरपुर जिला कांग्रेस ने सीमेंट के बढ़ते दामों को कम न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमीरपुर जिला कांग्रेस में पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, AICC के सदस्य सुनील शर्मा, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में सीमेंट के बढ़ते दामों को घटाने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह करते हुए पंजाब से कम दाम किए जाने की मांग की है। साथ ही लोकसभा चुनावों में बाहरी उम्मीदवारों को उतारने पर चर्चा की गई ताकि बार बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस हाईकमान एक्सपेरिमेंट ना करे। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि हिमाचल में सीमेंट प्लांट होने के बावजूद भी प्रदेश में सीमेंट महंगा और पंजाब में सस्ता है, वहीं पर्यावरण भी सीमेंट प्लांटों से खराब हो रहा है, फिर भी सीमेंट महंगा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकारों ने सीमेंट दामों को कम करने के प्रयास किए लेकिन कंपनियां नहीं मानती हैं, इसीलिए जयराम सरकार जल्द राहत प्रदान करे। बड़ी विडंबना की बात है कि हिमाचल प्रदेश जो है, जिन्होंने सीमेंट के उद्योग लगाए हुए हैं और हिमाचल में जो सीमेंट है वो महंगा है और पंजाब में सस्ता है। लगभग एक सीमेंट की बोरी को तैयार करने के लिए सारे खर्चे डाल के 70-75 रुपये इनके बैठते हैं। और पर्यावरण जो था वो हिमाचल का दूषित होता है, सड़कों के ज़्यादा बोझ होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में हमारा बड़ा नुकसान होता है, सड़कों का नुकसान होता है, लेकिन सीमेंट हमें महंगा मिलता है कि कंपनियां जो हैं वो इस जो हमारे लोगों के साथ जो जाति करती हैं, हमारे प्रदेश के लोगों के साथ हमारे पर्यावरण का खिलवाड़ करती हैं या हमारे सड़कों का जो नुकसान करती हैं उसको देखते हुए फैसला लिया है कि वो अपने आप ही हिमाचल की जनता को राहत दे और हिमाचल के जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए राहत दे, जो पंजाब में जो हमारा सीमेंट आप बेचते हैं उससे कम रेट से हिमाचल में दें, नहीं तो आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी जो है वो अगले स्टेप के कदम उठाने का भी प्रयास करेगी, जितना भी जल्दी हो सीमेंट के रेटों में पंजाब से कमी करनी चाहिए और यहाँ के लोगों को राहत देनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों का दर्द भी छलका। हर बार संसदीय क्षेत्र से बाहरी व्यक्ति को टिकट देकर सीट खोने पर इस बार कांग्रेसियों ने इसका कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र से किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। कुलदीप पठानिया ने कहा कि हाईकमान से इस बार मांग की गई है कि लोकसभा चुनावों में संसदीय क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवार को न उतारा जाए, क्योंकि कई बार संसदीय क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट करके कांग्रेस ने भूल की है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी ऐसा होता है तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं, हमारा जो आजकल चुनावों का दौर भी है, हर जगह रैलियां और जनसभा होती हैं, हर अपने अपने प्रयास लगे हुए हैं, लेकिन आकर जो निर्णय है वो हाईकमान करेगी। जो भी हाईकमान निर्णय करेगी उसको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जो अध्यक्ष पदाधिकारी हैं उसके ऊपर अमल करते हैं और करते आए हैं, लेकिन जो कांग्रेस का जो संगठन है वो इस बात से चिंतित है कि पहले भी यहाँ कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, दोबारा ऐसा एक्सपेरिमेंट ना हो तो उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है। और इस बारी जो पार्लियामेंट का जो टिकट है वो कांग्रेस पार्टी के संगठन में से किसी को दिया जाए, कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी, हाईकमान के निर्णय का स्वागत भी करेगी और हाईकमान का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे।